शाहरुख खान की पठान की शूटिंग इन दिनों YRF के स्टूडियो में हो रही है और यहीं सलमान खान भी फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं। नो डाउट कि पठान को एक ग्रैंड फिल्म बनाने में आदित्य चोपड़ा कोई कमी नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि शाहरुख के फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पठान को देखने के लिए ना सिर्फ SRK के फैंस बल्कि उनके बड़े बेटे आर्यन खान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। दरअसल हाल ही में आर्यन खान को यशराज स्टूडियो से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया और जैसे ही लोगों ने आर्यन को यशराज स्टूडियो से बाहर निकलते हुए देखा उसके बाद लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई कह रहा है आर्यन भी पठान में छोटा सा रोल करते दिखेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि आर्यन एक्टर ना बनकर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्यन पठान का हिस्सा बने हैं। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आर्यन कैजुअली अपने डैड से मिलने पठान के सेट पर पहुंचे हों और आर्यन वाकई में खुद भी इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद शाहरुख कमबैक जो कर रहे हैं। खैर अब आर्यन पठान के सेट पर क्यों पहुंचे ये तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में आर्यन को IPL के ऑक्शन में भी देखा गया था जिसके बाद हर कोई यही कह रहा था कि पापा की एब्सेंस में आर्यन ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है और शाहरुख के फैंस इसी वजह से आर्यन की बढ़ चढ़कर तारीफ भी कर रहे थे। मगर अब आर्यन को पठान के सेट पर देखकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म हो चला है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि किंग खान की तरह आर्यन के भी काफ़ी फैंस हैं और इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पर उनके नाम के फैन क्लब्स भी हैं जो काफ़ी बड़ी बात है। ऐसे में अब आर्यन कब कहां और कैसे डेब्यू करेंगे ये देखने के लिए उनके फैंस काफी टाइम से पलक बिछाए बैठे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज गॉसिप फिल्म रिव्यूज सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।